एयरपोर्ट पे भैया ये खड़ी है पुलिस आपके स्वागत के लिए, आप आओ तो सही ड्रॉपिंग करने पिकअप करने आओ, एक छोटी सी गलती की नहीं और ये ऐसे दबोच लेंगे आपको। ला भैया 1,000 रुपये, ला भैया 2,000 रुपये, ये खड़ी देखो रोक रखी पुलिस ने, यहाँ ध्यान रखना है आपने जब भी आओ तो। पानीपत हरियाणा से दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ। दिल्ली एयरपोर्ट IGI मतलब कि टर्मिनल 3, एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से मुझे किसी को पिक करना है और पानीपत लेके आना है। दोस्तों ये वीडियो बना रहा हूँ, एक आप जैसे भाई ने ही मैसेज किया था कि दिल्ली तक तो आ जाते हैं लेकिन एयरपोर्ट से पिकअप जब करना होता है तो बड़ी दिक्कत होती है, कैसे लें कैसे ना लें, क्या करना चाहिए, कैसे पिकअप करें कैसे ड्रॉप करें, तो कुछ बताइए। तो दोस्तों इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि पिकअप ड्रॉप कैसे करना है दिल्ली एयरपोर्ट से। पानीपत से मैं दिल्ली की तरफ चला गया हूँ। अब दोस्तों दिल्ली तो आप चले ही जाएंगे, जैसे भी जाएंगे पहुंच जाएंगे, उसके बाद दिल्ली जाने के बाद क्या करना है, कैसे पिक करना है, कैसे ड्रॉप करना है, वो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इस वीडियो में बने रहना दोस्तों। मैं नहीं मानता। दोस्तों क्या होता है, मैं आ रहा हूँ हरियाणा से, तो दोस्तों कोई यूपी से आ रहा है, उत्तर प्रदेश से, कोई हिमाचल प्रदेश से, कोई पंजाब से, कोई राजस्थान से, कोई उत्तराखंड से, मेन पॉइंट आना तो दिल्ली है, दिल्ली तो पड़ेगा ही। अब जहां से भी आ रहे हैं आप दिल्ली पहुंच जाइए। दिल्ली पहुंचने के बाद आपको एक काम करना है, आपने गूगल मैप चलाना आता है तो ठीक है, वरना आप मेरी वीडियो निकाल कर देख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा लिंक कि गूगल मैप कैसे चलाते हैं। दोस्तों गूगल मैप के अंदर आपने डालना है IGI टर्मिनल 3, IGI एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल 3। जैसे ही आप डालोगे तो आपको वो लोकेशन निकाल कर दे देगा कि आपने एयरपोर्ट पे कैसे पहुंचना है। एयरपोर्ट पे जब ये गूगल मैप हमें पहुंचा देता है, पहुंचाने के बाद दोस्तों कहां पर पजलिंग आती है, कहां पे पजल होता है इंसान और कहां पर गलत एक कट लगने के बाद हमें क्या कठिनाई आती है, मैं इस डिटेल में पूरी वीडियो में आपको बता दूंगा, डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों कहां पजलिंग हो जाती है हमारे को, दोस्तों दिक्कत कहां पे आती है, जब हमने पिकअप की तरफ जाना होता है तो हम ड्रॉप की तरफ चले जाते हैं, जब ड्रॉप की तरफ चला जाना होता है तो हम पिकअप की तरफ चले जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो में मेन जो पजलिंग जो होती है, जो डर बैठा हुआ है कि कैसे लें कैसे ना लें, उस डर को खत्म किया गया है इस वीडियो के अंदर। दोस्तों रात के 3 बजे 3:15 बजे मैं पानीपत से निकला था और पानीपत से जब मैं निकला और दिल्ली में जहां मुझे पहुंचना था, अभी दिल्ली कैंट, ये आर्मी कॉलोनी है एक दिल्ली कैंट के नाम से, दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन लगा लो या दिल्ली कैंट मार्केट, इसे कहते हैं शास्त्री मार्केट। तो यहां पर मैंने, क्योंकि 2 घंटे के अंदर अंदर मैं पानीपत से दिल्ली पहुंच चुका हूं और यहाँ पहुँचने के बाद दोस्तों मेरे पास 1 से 1.5 घंटा अभी पड़ा हुआ है उनकी लैंडिंग होने में, और बाहर आने में तो और आधा घंटा भी, शायद मैं 2 घंटे पहले पहुँच चुका हूँ। तो दोस्तों मैंने क्या किया, दिल्ली कैंट, ये मेरी गाड़ी खड़ी है आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने पार्किंग लगा दी है, फ्री पार्किंग है, ये मार्केट है, शास्त्री मार्केट कहते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर गाड़ी लगा दी है। जब मेरे बंदे का फ़ोन आएगा मुझे कि भैया लैंडिंग हो चुका है, फ्लाइट लैंडिंग हो चुकी है, तो मैं उनको कहूँगा कि सर लैंडिंग हो गई है, जब आपको सामान या आपको लगत जो मिलेगा, जब आपको मिल जाए तो मुझे कॉल कर देना। और यहाँ से फिर मेरे को 15 से 20 मिनट गूगल मैप दिखा रहा है कि एयरपोर्ट टर्मिनल 3 जाने का कितना टाइम लगेगा यहाँ से, तो इतना ही टाइम लगेगा दोस्तों, और जितना टाइम उनको बाहर आने में लगेगा इतना टाइम मैं यहाँ से चलूँगा वहाँ तक पहुँचने में, मेरी पार्किंग भी बचेगी और मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो इसलिए मैंने यहाँ पर गाड़ी लगा दिया है। आपको जहाँ सफिशिएंट लगे, आप गाड़ी अगर बिफोर, अगर पहले आप पहुँच चुके हो तो आप भी देख सकते हो दोस्तों कि कहाँ गाड़ी लगानी है कहाँ नहीं लगानी। तो दोस्तों वहां पर पार्किंग जो है वो थोड़ी कॉस्टली है, जो एयरपोर्ट के बाहर ही होती है, जहां पर हमने पिक करना है किसी को, वो पार्किंग जो है वो कॉस्टली है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बता भी दूंगा कि कॉस्टली पार्किंग में रुकना है या एक सस्ती पार्किंग है, 60 रुपीज लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं उसमें, 4 घंटे मिलते हैं, तो वहां भी रुक सकते हो, नहीं तो अदरवाइज आपके अगर ऐसी जगह जैसे मैंने रोक ली है, अगर आप पंजाब हरियाणा यूपी उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश इस साइड से आ रहे हो तो ये सफिशिएंट जगह है दोस्तों, यहाँ पर यह पार्किंग देख सकते हो दोस्तों, ये सारी खुली पार्किंग है, ये सारी पार्किंग, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो
किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अब यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा बिताऊंगा, जैसी कॉल आएगी मैं उनको बोल दूंगा भैया सामान मिल जाएगा तो मुझे कॉल कर देना, उसके बाद फिर मैं उनको लेने जाऊंगा और आपको रूट दिखा दूंगा वहां से एयरपोर्ट का, अंदर कैसे जाना है, पिक कैसे करना है, वो सब आपको दिखा दूंगा दोस्त। तो यहाँ से शुरू करता हूँ मैं वीडियो को। ये देखो मैं एयरपोर्ट के एरिया में आ चुका हूँ। ये अंडरपास जाता है जो मुझे गूगल मैप मेरे को दिखाता है कि आप इधर से जाइए, ये शॉर्ट रास्ता है। आप जहाँ से भी आ रहे हैं, आपने आपने अगर गूगल मैप लगा रखा है तो आना तो आपने इसी रोड पे ही है, गूगल मैप आपको इसी रोड पर ही लेकर आएगा। तो दोस्तों ये रोड बिल्कुल सीधी जा रही है दोस्तों, बिल्कुल सीधी। यहाँ पर हम पहले लेफ्ट टर्न होते थे, अब राइट की तरफ इन्होंने फ्लाई ओवर बना दिया, तो बिल्कुल सीधी रोड हमने चढ़ना है। ये गूगल मैप आपको लेके जाएगा अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर गूगल मैप दिक्कत करता है वहाँ पर दोस्तों मैं बताऊँगा आपको कि वहाँ पर जाके, ये देखो दोस्तों अभी मशीन गई थी क्रेन, जहाँ पे आपने गलत पार्किंग या कहीं खड़ी गाड़ी की, ये देखो ऊपर कैमरा लगा हुआ है, तो दोस्तों जहाँ आपने गाड़ी गलत खड़ी करी और ये क्रेन उठा के ले जाएगी आपको। मेन पॉइंट शुरू होता है यहाँ से दोस्तों, ये देखो अब ये जो आ गई, ये आर्मी का चेकिंग पोस्ट है। यहाँ पर कैसे आपने क्रॉस करना है, ये देखो यहाँ पर लिखा भी होगा। अभी मैं इसको थोड़ा सा स्लो कर दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, मैंने बिल्कुल वीडियो को स्लो कर दिया है। स्लो करने के बाद ये देखो ये बोर्ड पे लिखा हुआ है येलो कलर में, कृपया लाइट को हेडलाइट बंद करें, ना हॉर्न बजाएं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। हेडलाइट बंद का मतलब है कि आप बंद भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ रात को बिल्कुल लाइटें बहुत अच्छी तरीके से पड़ती हैं और लाइट को आप लो बीम पे भी कर सकते हो। ये आ गया टर्मिनल 3 का लेफ्ट, यहाँ तक आपको गूगल मैप लेके आएगा दोस्तों। ये जो ब्लू कलर का बोर्ड दिख रहा है ना आपको, यहाँ तक आपको अपना गूगल मैप लेके आएगा। यहाँ से आगे गूगल मैप आपको डिस्टर्ब कर देगा, पजल कर देगा कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। अब दोस्तों देखो राइट साइड में आपको ब्लू कलर का लंबा सा बोर्ड दिख रहा है। अब यहाँ लिखा हुआ है प्रस्थान, प्रस्थान लगा मतलब कि प्रस्थान आपने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, डिपार्चर आप जा रहे हैं छोड़ने के लिए किसी को, तो होता है प्रस्थान। तो वो लेफ्ट की तरफ, अब ये जो गाड़ी लेफ्ट में व्हाइट कलर डिजायर जा रही है, ये प्रस्थान की तरफ जा रही है और मुझे जाना है राइट, जहाँ मैंने एरो का निशान दिया है, ये पिकअप ऊपर लिखा भी हुआ है। तो जैसे ही आप राइट की तरफ जाएंगे बिल्कुल सीधा, यहाँ बिल्कुल सीधा आपने जाना है, कहीं भी लेफ्ट टर्न राइट टर्न नहीं करना दोस्तों। और मैं आपको बता दूँ आगे ये रोड बिल्कुल सीधा जाती थी गेट की तरफ, जो कि अब बंद कर दी गई है, अब उन्होंने सिस्टम बना दिया कि पार्किंग की तरफ जाओ। अब ये जो राइट में आपको जो दिख रहा है बूथ, ये कमर्शियल नंबर येलो प्लेट जो टैक्सी नंबर गाड़ियां होती है इसके लिए बनाया गया है। पिकअप करने के 200 रुपीस लगते हैं दोस्तों। हमने जाना है ये लेफ्ट की तरफ जो आरओ का निशान दिया था मैंने। यहाँ से आपको या तो फास्टैग से आपने अपना स्कैन करवाना है, या फिर ये आपको स्लिप देगा, ये पर्सन आपको स्लिप देगा। इसके अंदर टाइमिंग टूमिंग आ जाएगी और स्लिप को खोना नहीं है, मिस हो गई तो 200 रुपीस का जुर्माना लग जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से हम चलते हैं, मैंने स्लिप ले लिए, यहाँ से हम चलते हैं राइट की तरफ। ये आगे बंद किया हुआ है रास्ता, तो हमें पार्किंग का रास्ता दिए गए। और जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको लेफ्ट राइट दिखेगा, सीधा तो अंदर पार्किंग में जाएगा, लेफ्ट से भी पार्किंग में जाएगा दोस्तों। ये लेफ्ट जो जा रहा है दोस्तों, ये जा रहा है लेवल 1 पर, और ये मैं जा रहा हूँ लेवल 2 पर, क्योंकि मैंने अपने बंदे को कह रखा है कि लेवल 2 पर जाना है दोस्तों। तो लेवल 2 पर मैं जा रहा हूँ, ये अंदर जाके ये आऊँगा तो मैं पहले लेवल 1 पे ही, ये लेवल 1 पे भी, ये मैं घुमाई गाड़ी, ये लेवल 1 है दोस्तों, ये आ गई पार्किंग लेवल 1 की। अब मैंने जाना है लेवल 2 पे, तो मैंने जैसे ही टर्न किया आगे गया, आगे जाके जैसे ही राइट की तरफ जाना है, जैसे अब लेफ्ट जो रास्ता दिख रहा है ये लेवल 1 का भी है, इधर से आप पिकअप करने भी जा सकते हो, तो लेवल 2 ये लिखा भी हुआ है, तो लेवल 2 पर मैं जा रहा हूँ दोस्तों। ये लेवल 2 की ऊपर मैं चढ़ गया, ये आपका इसके ऊपर स्पीड भी स्लो रखनी है दोस्तों। और यहाँ से आपने जैसे ही ये राइट की तरफ मैंने टर्न किया, यहाँ से रास्ता बंद किया हुआ है, इसलिए मैंने इधर राइट की तरफ मोड़ा और बिल्कुल स्ट्रेट जाकर यहाँ से मैं आगे से लेफ्ट हो जाऊँगा। ये आपको कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब आपके पास 25 मिनट कम से कम है, 25 मिनट तक आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। पिकअप का पॉइंट यही बनाया गया है, अब रूल्स चेंज हो चुके हैं दोस्तों, इसलिए मैं पार्किंग लेवल पे ही आया हूँ, नंबर 2 लेवल 2, जिसको आप फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर भी कह सकते हो, जैसे यहाँ पर लिखा होता है लेवल 2।
इसलिए मैं लेवल टू के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ। तो आपने जैसे ही जहाँ जहाँ रास्ता मिले तो वहाँ वहाँ चलते हो, लेफ्ट की तरफ ही जाना है। ये जारी गाड़ी जा रही है, जो जैसे ही मैं लेफ्ट की तरफ गया बिल्कुल स्ट्रेट मुझे रास्ता दिखा, कई जगह इधर उधर बंद भी होता है, जो रास्ता खुला हो आप उधर से आगे तक जा सकते हो पार्क करने के लिए, कि पैसेंजर को आप लोगे वहाँ पर दिक्कत ना आए। मैंने यहाँ लेने के बाद यहाँ गाड़ी लगा दी पार्क में, ये पार्किंग में मेरी गाड़ी लग गई होंडा सिटी और मैं चल दिया ये ये सामने ही जैसी पार्क की और सामने ही आपको लिफ्ट्स दिखेंगी। ये आपको लिफ्ट के अंदर से ही आपका पर्सन आएगा, जिसको आप कहोगे कि लेवल वन या लेवल टू पे भैया आपने आना है, उसी जगह पे आप पहले ही पहुंचे होंगे, 5 मिनट पहले पहुंच जाओगे दोस्तों। बस यही है, उनको पूछ लो कितनी देर में आ रही है। जो ये जो बूथ दिख रहा है दोस्तों, ये राइट में जो बूथ दिख रहा है, ये राइट में बूथ जब आप 25 मिनट से ऊपर हो जाते हैं तो राइट बूथ की तरफ से आपने उनसे टिकट बनवा लेनी है, पैसे पे कर देने हैं जो आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगा है। ये आ गया मेरा फ्रेंड, तो इसको मैं लेने इधर गया। मैं तो पूरी आज वीडियो बना रहा हूँ इसकी, कि एयरपोर्ट से पिकअप कैसे करना है। यहाँ से दोस्तों मैंने अपने दोस्त को ले लिया, पिक किया, गाड़ी में बिठाया और गाड़ी को स्टार्ट किया और गाड़ी गाड़ी मैंने बैक करते ही दोस्तों जहाँ से मैंने फ्रेंड को लिया था यहीं से ही आपको एग्जिट, ये ऊपर लिखा हुआ है देखो येलो कलर में, यहीं से आपको एग्जिट के लिए बाहर की तरफ जाना है। अभी मैं लेवल टू पर हूँ तो इसका मतलब मुझे 2 राउंड नीचे की तरफ तो लेने ही होंगे। ऐसे ही सीधा जाओगे तो आपको गाइडनेस पूरी मिलेगी कि एग्जिट आगे लिखा होगा एग्जिट, तो ऐसे ही आपने बेसमेंट के नीचे की तरफ जाना है। तो दोस्तों यहाँ से मैं जा रहा हूँ नीचे, मैंने पिक कर लिया, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही थी मैंने सब बताया दोस्तों। अब यहाँ पर मैंने, यहाँ से मैंने लेवल वन की तरफ लिया नीचे, जैसे मैं आया था ऊपर ऐसे ही घुमाकर मैंने लेवल वन से नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ले जाना है और बाहर रोड की तरफ चलना है। तो ये सारा गाइडेंस दी हुई है, आपको किसी तरह की डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बस बेल्ट लगा के रखो, जहाँ पर जो रूल है वो फॉलो करो, जो स्पीड लिमिट है 70 की स्पीड लिमिट है ऑन रोड पे, एयरपोर्ट के रोड के ऊपर 70 से आप नीचे रखो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा। इसलिए ये यहाँ से मैं बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद दोस्तों सामने बूथ आ गया जहाँ पर मेरी वो स्लिप ली थी, वो स्लिप स्कैन होगी, स्कैन में आ जाएगा कि आप अपने टाइम के अंदर अंदर वापस आ गए हैं, तो मुझे वो फ्री कर देगा, मुझसे कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लेगा दोस्तों। तो ये देखो दोस्तों मैं निकल रहा हूँ यहाँ से अपने एग्जिट की तरफ। यहाँ एग्जिट करने के बाद दोस्तों आपने आगे से थोड़ा लेफ्ट ही लेना है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा पजलिंग होती है, लेकिन अगर यहाँ से आप गूगल मैप शुरू कर देंगे दिल्ली कोई भी एरिया में की तरफ आप जा रहे हैं या जो भी है, आपने जो भी गूगल मैप में लगाना है, ये देखो स्कैन हुआ और यहाँ से मैं आउट, कोई दिक्कत नहीं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगा। तो यहाँ से आपने गूगल मैप लगा दो या पीछे से ही पार्किंग से लगा के निकलोगे तो आपको गूगल मैप कोई पजलिंग नहीं करेगा। ये थी दोस्तों वीडियो वहाँ की जो मैंने, ये बिल्कुल सीधा रोड जा रहा, ये सिर्फ पिकअप की वीडियो थी कि पिकअप कहाँ से कैसे लेना। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है पिकअप करने में कस्टमर को, या अपने अपने गेस्ट को कैसे समझाएं, क्या कहें क्या नहीं कहें, ये मैंने आपको वीडियो में सारा बता दिया दोस्तों। ये वीडियो बिल्कुल सीधा निकलेगी आगे से। तो ये थी वीडियो दोस्तों पिकअप करने की, कि मैंने एयरपोर्ट से पिकअप कैसे किया, किस रूट से गया, क्या क्या वहां पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो बताया। अब ये जो पार्किंग में मैं रुका था, ये हमारे लिए पार्किंग होती है ओनली 20 to 25 मिनट्स के लिए। अगर आप इस बीच में अगर अपने पैसेंजर को, अपने गेस्ट को लेकर निकल जाते हैं तो सफिशेंट है, कोई आपका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। अदरवाइज जो आपको पर्ची मिलती है वहां पे जब एंट्री करते हो, एक स्लिप मिलती है, वो स्लिप अगर गुम हो जाती है तो दोस्तों 200 रुपीज उसका चार्ज लगता है, ये आपको बता दूं। वो स्लिप आपने गुम नहीं करनी कहीं भी, और स्लिप के साथ ही आपका स्कैन होगा बाहर की तरफ, जब आप निकलेंगे एग्जिट करेंगे वहां पर स्कैन होगा और उसके अंदर टाइमिंग टूमिंग सब आ जाएगा भी, आप 20-25 मिनट से पहले पहले या उसके बीच में निकल चुके हो तब तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने पड़ेगा। अदरवाइज अगर लेट हो जाते हो, घंटा हो जाता है, 1.5 घंटा हो जाता है, तो दोस्तों मैं बता दूं 120 रुपए कम से कम मिनिमम चार्ज आपका लगेगा ही लगेगा। उसके बाद अगर 1 घंटे के बाद अगर जाते हो फिर 70-80-100 रुपए के हिसाब से पर आवर के हिसाब से
फिर वो कटेंगे 200-250-300 रुपए तक पहुंचेगी ये। तो दोस्तों उस हिसाब से अंदर आओ, 20-25 मिनट आपको रुकना भी पड़े, 10-15 मिनट रुको, 10 मिनट में पिक करो और गायब। तो दोस्तों लाइक कर देना, एक लाइक तो बनता है दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करी है दोस्तों, थैंक यू।